नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निकोटक्स चिंगम के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है निकोटक्स चिंगम, ये सिप्ला कंपनी बनाती है। और ये हमें जो नशा की आदत होती है, सिगरेट की आदत होती है, तम्बाकू की जो आदत होती है वो छोड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये निकोटक्स जो सिप्ला कंपनी बनाता है वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, शायद आपने भी कभी इसे यूज़ किया होगा। और सिप्ला कंपनी ये दावा करती है कि अगर आप सिगरेट या तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, उसकी लत को छोड़ना चाहते हैं, तो इसे कंटिन्यू आप यूज़ करेंगे तो 12 हफ्तों में ये लत आपको हमेशा के लिए छूट जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ आप निकोटक्स गम की मदद से ही जो अपनी लत है, बहुत साल पुरानी लत होती है जो सिगरेट की या फिर तम्बाकू की, वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, उसकी मैं एक ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो है, उसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगी ये निकोटक्स की मदद से और वो ट्रिक की मदद से आप जो तम्बाकू और जो गुटखा का सेवन है वो किस तरह से हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि निकोटक्स से ये 105 रुपये का आता है और इसमें 9 चिंगम आती है। और दूसरा ये है मिंट फ्लेवर वाला है, और दूसरा इसमें आता है वो है पान फ्लेवर वाला। तो आप अपने हिसाब से जो फ्लेवर आपको पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। और इससे बड़ा पैक आता है, वो आता है निकोटक्स 25 गम वाला आता है, और वो करीब 260 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं निकोटक्स गम वो किस तरह से काम करता है। इसमें 4 मिलीग्राम निकोटक्स और 2 मिलीग्राम अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो निकोटक्स जो चिंगम है उसमें बेसिकली निकोटीन है जो कि हमारे तम्बाकू में रहता है, और हमारे जो सिगरेट होती है उसमें भी ये निकोटीन रहता है, और ये निकोटीन की वजह से ही हमें उसकी लत लग जाती है, ठीक है। तो जो सिगरेट है या फिर तम्बाकू, वो किस तरह से हमें लत लगती है, जब हम पहली बार सिगरेट पीते हैं तब क्या होता है कि निकोटीन पहले हमारे धुएं में से हमारे फेफड़ों में जाता है, और फिर उसमें से निकल के निकोटीन हमारे ब्लड में घुल मिल जाता है, और हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे दिमाग तक ये निकोटीन पहुंचता है। तो ठीक है, अब ये हमारे दिमाग में रिसेप्टर रहते हैं, तो उस रिसेप्टर में जब ये निकोटीन पहुंचता है वहाँ उसके साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है निकोटीन हमारे दिमाग के साथ, ठीक है। और हमें बहुत ही प्लेजर यानी कि बहुत ही ज़्यादा आनंद, खुशी की जो फीलिंग है वो आती है। तो जब हम पहली बार सिगरेट लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो फिर क्या करते हैं कि हम दूसरी बार भी उसे लेने के लिए हमारा दिमाग है वो हमें मजबूर करता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग के रिसेप्टर होते हैं उसको एक बार लत लग गई निकोटीन की तो फिर वो बढ़ती ही जाती है और उसकी तलब बढ़ती ही जाती है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इस तरह से हमें हैबिट हो जाती है ये जो है तंबाकू और सिगरेट की, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि निकोटक्स किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो जिन लोगों को दिन में 10 या 12 सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को 4 मिलीग्राम निकोटक्स जो टेबलेट है वो यूज़ करना है। और जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब लगे तब आपको क्या करना है, एक चिंगम लेके अपने मुंह में डालना है और इसे चबाते रहना है, और इसे कंटिन्यूस 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक वो आप चबा सकते हो उसे, एक घंटा कंटिन्यूस उसे चबाते रहो। तो जब भी आप उसे चबाओगे तो उस चिंगम में से धीरे धीरे निकोटीन वो निकलेगा और वो आपके ब्लड में जाएगा और फिर आपके दिमाग में पहुंचेगा, और तो जो और वहाँ से आपके रिसेप्टर तक पहुँचता जाएगा। तो आपके दिमाग की जो चाहत है निकोटीन पाने की, और जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, तो वो चाहत है वो मिट जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग के रिसेप्टर को निकोटीन मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें भी निकोटीन मिलता है, दवाई में भी, निकोटक्स में और सिगरेट में भी निकोटीन मिलता है, तो फिर हम सिगरेट ही क्यों ना पिए।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिगरेट में जो निकोटीन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। आप मान लो कि उसमें ग्राम में या फिर बहुत ज़्यादा ग्राम में निकोटीन अवेलेबल रहता है, सिगरेट का जितना वज़न होता है उसमें से बहुत ज़्यादा ग्राम में जो है वो निकोटीन रहता है। और जबकि ये जो च्युइंगम है, एक च्युइंगम में सिर्फ 4 मिलीग्राम, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे इस तरह से जो आप निकोटीन लेते हो उसकी आपको लत नहीं लग सकती है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये जो आपकी जो बहुत ज़्यादा निकोटीन वाली लत है जो आपको सिगरेट की वजह से मिली है, उस लत को वो कम कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो निकोटेक्स गम है वो आपको लत छुड़ाने में आपको हेल्प करेगी। तो जब भी आपको सिगरेट पीने की इच्छा जगे, आपको तलब लगे, तब आपको क्या करना है, एक च्युइंगम लेके चबाते रहना है, ठीक है। जितनी देर आप चबा सको उतने चबाते रहो, अगर उसमें से कोई टेस्ट ना आए फिर भी आप उसे चबाते रहो, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके कंटिन्यूस 2 से 3 महीना इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जो लत है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, और आपके जो दिमाग की जो तलब है निकोटीन के लिए और जो सिगरेट के लिए या फिर तम्बाकू के लिए जो दिमाग की तलब है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से कम हो जाएगी आपकी जो लत है वो, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आप में से कई लोगों ने ये ट्राई किया होगा निकोटेक्स, लेकिन फिर भी आपकी जो है लत है तम्बाकू की वो या सिगरेट की आपकी लत छूटी नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके से 90% लोगों को ये परेशानी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप ध्यान से इसे सुने और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ 110% आपकी जो निकोटीन की लत है वो छूट जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले हमारे दिमाग को, जो हमारी दिमाग का जो काम है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा दिमाग क्या है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक लेफ़्ट वाला है और दूसरा है राइट वाला ब्रेन। तो हमारा जो राइट वाला ब्रेन है, जो दिमाग है, वो उसका काम क्या है, वो कल्पना करता है, ठीक है, वो इमेजिनेशन करता है। और जो हमारा लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो कैलकुलेशन करता है, यानी कि गणित करता है या कोई भी चीज़ों में वो तर्क लगाता है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो राइट वाला ब्रेन है, हमारा जो राइट दिमाग है, उसको कल्पना करनी है, ठीक है। और क्या कल्पना करनी है, आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर आपको कोई लत को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है, जिसे हम आत्मशक्ति कहते हैं, उस आत्मशक्ति की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आत्मशक्ति किस तरह से आप अपनी डेवलप कर सकते हैं ताकि आप इन जो हानिकारक आदतों है, लत है, उसको छुटकारा पा सके, ठीक है। तो आपके आपको अपने दिमाग को ये कल्पना करनी है और आपको ये एक सेंटेंस बोलना है, मैं बोलता हूँ वो आपको बोलना है, ठीक है, लिख के ले लो ये, कि मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैंने सिगरेट और तम्बाकू पूरी तरह छोड़ दिया है और मैं अब उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। बस इतना सा सेंटेंस ये आपको लिख के लेना है और ये आपको बार बार दोहराना है। कब दोहराना है, जब भी आप सोकर उठे तब सबसे पहले आप ये सेंटेंस 5 बार दोहराए, और रात को जब सोए तब आप ये सेंटेंस है जो ये मैंने बोला वो आप सोते टाइम 5 बार दोहराए, ठीक है। अब आप सोचते होंगे ऐसा बोलने से थोड़ी ना कभी ये जो सिगरेट की लत है ये छूट जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमने बोला वो हमारी कल्पना थी, ठीक है। तो हमारा राइट दिमाग पहले कल्पना करता है और हमारा जो लेफ्ट दिमाग है, लेफ्ट साइड वाला, वो क्या करता है, वो उसमें तर्क लगाता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये आपका उसको विरोधी करेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप बोलोगे और हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपको वो इग्नोर करना है,
उस साइड को जो लेफ्ट वाला दिमाग है उसे भूल जाओ। पहले सिर्फ आप अपनी कल्पना शक्ति लगाओ और उसे स्ट्रोंग बनाओ, ठीक है। अगर आपको कोई फायदा ना हो तो फिर भी आप लगातार 8 या 10 दिनों तक ऐसा बोलते ही रहो। फिर क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट दिमाग है, लेफ्ट साइड वाला दिमाग, वो थक जाएगा। आप लगातार बार बार बोलोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा आत्मशक्ति वाला व्यक्ति हूँ और वो जो सेंटेंस बोलोगे तो वो सुन सुन के हमारा जो लेफ्ट दिमाग है वो थक जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसका विरोध करना छोड़ देगा और वो उसके साथ मिल जाएगा। तो अब हमारा दोनों दिमाग साथ में आ जाएगा, हमारा राइट वाला और लेफ्ट वाला, ठीक है। और इसकी वजह से आपके मन में आप सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा बदलाव आएंगे। ये करके देखो, ठीक है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आप करके देखो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सोकर उठो और सोते टाइम ये 5-5 बार सिर्फ ये आसान सा सेंटेंस आपको बोलना है। और जब भी आप जो चिगम खा रहे हो, जबकि आपको तलब लगे, तब आप क्या करोगे कि निकोटेक्स गम मुंह में डालोगे और चबाओगे। और जब भी चबाओ तब चबाते समय भी यही सेंटेंस बार बार रिपीट किया करो। जितनी बार चबाओ उतनी बार ये सेंटेंस दोहराओ। अपने दिमाग को ऐसा मतलब ऐसा पूरी तरह से भर दो कि आप जो चाहते हो वही होगा, ठीक है। आपने जो कल्पना की है, आपके जो राइट साइड दिमाग ने जो कल्पना की है कि मैंने ये लत छोड़ दी है, सिगरेट छोड़ दिया है, तो वही होके रहेगा एक दिन। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो लेफ्ट वाला दिमाग है वो उसका विरोध करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे आपको अंदर से कुछ भी आवाज़ आए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने ये जो लेफ्ट वाला दिमाग उसको सुनना ही छोड़ो। सिर्फ कल्पना ही करो और बोलते रहो वो सेंटेंस है, बार 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 लगातार बोलते ही रहो, ठीक है, जब भी टाइम मिले। तो इस तरह से करते करते क्या होगा कि एक तो ये जो निकोटेक्स गम है वो भी अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और हमारा जो ब्रेन है वो निकोटीन की जो लत है उससे निकल जाएगा और उसके साथ में हमारी जो आत्मशक्ति है वो भी मजबूत होगी। तो हमारा जो विल पावर है कि हमें अब ये जो तम्बाकू है या फिर सिगरेट है वो ज़िंदगी में कभी दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आत्मशक्ति अंदर से निकलेगी और एक स्ट्रोंग वाली फीलिंग आएगी कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और आप करके रहोगे, ठीक है। ये लिख के ले लो, मैंने जैसा बोला वैसा करोगे आप, ये होकर रहेगा। आप इसके बाद ज़िंदगी में कभी दोबारा सिगरेट की तरफ देखोगे भी नहीं, ठीक है, उतनी ज़्यादा विल पावर आ जाएगी। तो ये आसान सी ट्रिक है दोस्तों। तो ये इस तरह से हम अपने निकोटेक्स और हमारी जो आत्मशक्ति है वो दोनों मिला के हम इस खराब लत से, जिसकी वजह से लाखों घर बर्बाद हो गए, उससे हम छूट सकते हैं और हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और दूसरे लोग जो इन आदतों से परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। ये एक सेवा का कार्य है, ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।